नमस्कार, मैं हूं सपना दानू। एक खिलाड़ी के जीवन में उसके गुरु या कोच की बहुत अहम भूमिका होती है। जब भी कोई खिलाड़ी अपनी करियर की शुरुआत करता है तो उसकी काबिलियत को परखने और उसे निपुण बनाने में एक कोच का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपने अक्सर ऐसे कोच के बारे में सुना होगा या देखा होगा जिन्होंने अपने शिष्य को सही राह दिखाते हुए देश को महान खिलाड़ी दिए, जिन पर आज पूरे देश को गर्व है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका क्रिकेट में करियर बनने से पहले फुल स्टॉप लगने की वजह और कोई नहीं बल्कि उनके कोच रहे। आगे आपको इस खिलाड़ी और कोच के बारे में विस्तार से बताएंगे। जब भी कोई खिलाड़ी क्रिकेट की शुरुआत करता है तो वो ऑलराउंडर या एक सफल बल्लेबाज या फिर गेंदबाज बनना चाहता है। इन्हीं उम्मीद के साथ एक खिलाड़ी क्रिकेट की दुनिया में बल्लेबाजी करने आया, लेकिन जब भी वो बल्ला उठाते तो उनके कोच उन्हें गेंद थमा देते। कोच का मानना था कि वो एक गेंदबाज है, वो उन्हें बल्ले की जगह गेंद थमा कर गेंदबाजी पर लगा देते। बस इसी से तंग आकर खिलाड़ी ने हमेशा के लिए क्रिकेट छोड़ दिया। वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि भारतीय हिंदी सिनेमा के फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक महेश मांजरेकर है। इनके कोच क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के गुरु रमाकांत आचरेकर ही थे। एक इंटरव्यू में महेश मांजरेकर ने क्रिकेट छोड़ने की वजह बताते हुए कहा था, रमाकांत आचरेकर सर काफी बेबाक थे, वो कभी दूसरों की नहीं सुनते थे, आप उनसे बहस नहीं कर सकते थे, वो हमेशा जानते थे कि क्या सही है। उन्होंने मुझे कभी बल्लेबाजी नहीं करने दी, वो जानते थे कि मैं गेंदबाज हूँ। मैंने क्रिकेट खेलना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं बल्लेबाज बनना चाहता था, लेकिन वो हमेशा चुप रहने और गेंदबाजी करने को कहते थे। वो कहते हैं कि उन्होंने एक चैरिटी मैच में सचिन के साथ शतकीय साझेदारी की थी और उन्हें कपिल देव से भी तारीफ मिली थी। उन्होंने कहा, मैं उस समय इंडस्ट्री में नया था और उस मैच में मेरी टीम में बड़े खिलाड़ी थे, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मेरी बल्लेबाजी आएगी या नहीं, लेकिन मैंने सचिन के साथ 134 रनों की साझेदारी की। मैंने उस मैच में 52 रन बनाए थे। महेश मांजरेकर ने ये पारी कपिल देव जैसे गेंदबाज के खिलाफ खेली थी। भले महेश मांजरेकर की क्रिकेटर बनने की हसरत अधूरी रह गई हो, लेकिन भारतीय सिनेमा में आज वो बॉलीवुड का बड़ा नाम है। उन्होंने न सिर्फ हिंदी सिनेमा में बल्कि मराठी फिल्मों में भी काम किया है। वो अपने डायरेक्शन में अब तक कई हिट फिल्में दे चुके हैं, कई फिल्मों में एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। उन्हें हिंदी सिनेमा में फिल्म वास्तव, रन, मुसाफिर, जिंदा, ओ माय गॉड, शूटआउट एट वडाला जैसी कई फिल्मों के लिए जाना जाता है। साफ है, क्रिकेट न खेल पाने का मलाल महेश मांजरेकर को भले ही हो, पर भारतीय सिनेमा में उन्होंने एक अभिनेता, लेखक और निर्देशक के तौर पर जो नाम कमाया उससे दुनिया वाकिफ है।